বাংলা সিএএ নিয়ে যে অসুস্থতা চলছে তার প্রতিবাদে এবং নাগরিকত্ব আইনের সমর্থনে আজ রাস্তায় নামলেন বিজেপির সর্বভারতীয় কার্যকরী সভাপতি জেপি নাড্ডা এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা এমপি দিলীপ ঘোষ। আজকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত একটা র্যালির আয়োজন করা হয়েছিল। শ্যামবাজারে এসে র্যালিটি শেষ হয় এবং সেখানে বিজেপির একটি জমায়েতও করা হয়। उसमें उपस्थित हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष और संवेदनशील अध्यक्ष श्री दिलीप घोष जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जिन्होंने बंगाल में पार्टी को चालना दी है, ऐसे हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, राष्ट्रीय मंत्री और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे राहुल सिन्हा जी, पूर्व में केंद्रीय मंत्री और हमारे सहयोगी सम्माननीय मुकुल राय जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री देवश्री चौधरी जी, हमारे सह प्रभारी अरविंद मेनन जी, भारत सरकार में मंत्री बाबुल सुप्रियो जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे बंगाल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह संत रामकृष्ण परमहंस जी की धरती है, पुण्य धरती है। मैं सबसे पहले तो इस धरती को नमन करता हूं जहां संत रामकृष्ण परमहंस जी का हम लोगों को मार्गदर्शन मिला है। संकेत का संकेत ममता दीदी को भी पहुंच गया है, इसको हमको समझ लेना चाहिए। मित्रों, ये जन सैलाब सारे पश्चिम बंगाल से आए हुए लोग कलकत्ता की सड़कों पर अपने नारों की गूंज से बता रहे हैं कि बंगाल मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, बंगाल सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट का स्वागत करता है, समर्थन करता है। इस बात को हम लोगों ने देखा और देगा भी क्यों नहीं। बंगाल राष्ट्रभक्त है, बंगाल के लोग सांस्कृतिक प्रिय हैं, वो भारत की मिट्टी से जुड़े हुए संस्कृति की पूजा करते हैं, वो देशभक्त हैं। इस मिट्टी ने देशभक्तों को ने जन्मा है, उनको दृष्टि दी है और उन्होंने देश को दृष्टि दी है। ऐसा बंगाल है जिसको हमको समझना चाहिए। देने वाला है और किसको दे रहा है? हमारे कांग्रेस के लोगों ने एक से एक गलतियां की, देश का विभाजन हुआ। किस आधार पर देश का विभाजन हुआ था? देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया। बहुत बड़ी गलती उस समय हुई थी। लाखों लोग अपने घर बार छोड़कर रातों रात अपना सब कुछ वतन छोड़ करके उनको आना पड़ा। इतनी बड़ी जनसंख्या कभी भी इतिहास में एक देश से दूसरे देश में नहीं आई थी और दूसरे देश से एक देश में नहीं आई थी। नरसंहार हुआ था, कत्लेआम हुआ था, लाखों लोग मारे गए थे। अपने अपने घरों को छोड़कर के, अपने अपने वतन को छोड़कर जान की को बचाने के लिए चल पड़े थे। लेकिन पाकिस्तान और उस समय का ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, वहां पर फैसला हो गया कि उनका संविधान इस्लामिक देश होगा, उनका संविधान इस्लामिक होगा, यानी राज्य का धर्म इस्लाम होगा। कई चीफ जस्टिस बने, राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, बड़े बड़े पदों पर बैठे। हमने उनको बराबर के दर्जे से देखा और उनको बराबरी का सम्मान दिया, उनको आगे बढ़ने में हमने पूरी मदद की। और ये हमारा धर्म है, भारत की मिट्टी में है, सबका सम्मान करना, सबकी इज्जत करना, सबको आगे बढ़ाना, यही भारत की खूबसूरती।
लिए हमने किया। हमारे यहां मुस्लिम भाई जो 51 में 11% से वो बढ़कर 14.5% हुए, हमें खुशी हुई क्योंकि हमने उनको बढ़ाया, हमने उनको बराबर का दर्जा दिया, हमने उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। जैसा मैंने बताया, कई राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, चीफ जस्टिस बने, बड़े बड़े पदों पर बैठे, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री बने, हमने उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। लेकिन पाकिस्तान में हिंदू सिख की बिरादरी की जनसंख्या उस समय 23% थी, 51 में वो पाकिस्तान में घट करके 3% आ गई, 23 से 3। कहां चले गए 20%? क्या जवाब देगा पाकिस्तान? क्या लुप्त हो गए? क्या उनका धर्म परिवर्तन हो गया? कहां चले गए? और जो लोग यहां आए, जो लोग यहां पर आए, उनको भारत ने शरण दी। मैं चाहूंगा कि आप लोग कभी उनके कैंपों में जाइए। हमारे बंगाल में भी लोग आए, मतुआ समाज के लोग आए, हमारे रघुवंशी समाज के लोग आए, हमारे नवशूद्र के समाज के लोग आए, ये सब दलित थे, प्रताड़ना हुई थी, उत्पीड़न में थे। इनको अगर जगह दी तो यहां जगह दी, और आज मोदी जी ने इनको नागरिकता का अधिकार दे दिया, ये बात हमको समझ। पाकिस्तान से लोगों ने MBBS की डिग्री करके आ गए, उनको निकाल दिया गया, वो भारत में आ गए, लेकिन भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे क्योंकि कानून इजाजत नहीं देते। वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहते थे, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ नहीं सकते थे। अब ये CAA पारित करके मोदी जी ने इनका रास्ता साफ कर दिया है। अब ये डॉक्टर प्रैक्टिस भी करेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे और भारत की मुख्य धारा में शामिल होंगे, ये परिस्थिति आ गई। मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं, कई लोग चर्चा करते हैं और ममता दीदी खास करके करती है कि इट इज ए डिस्क्वालिफिकेशन, ये आर्टिकल 14 के खिलाफ। अमित शाह जी ने बहुत अच्छे शब्दों में चिदंबरम को, जो बड़े वकील है, और कपिल सिब्बल को, जब उन्होंने आर्टिकल 14 की चर्चा की तो अमित भाई ने पार्लियामेंट में कहा कि आगे से आर्टिकल 14 की चर्चा CAA के साथ मत करना, नहीं तो तुम्हारी प्रैक्टिस घट जाएगी, तुम्हारी वकालत घट जाएगी, कि इसको इतना भी नहीं मालूम कि आर्टिकल 14 क्या करता है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन में, सम परिस्थितियों में समानता के साथ सबका व्यवहार करना, यही उद्देश्य रहता है, और इसमें कहीं भी आर्टिकल 14 नहीं आता है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए और आगे ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, अगर मैं काजू की बात करूं तो हजारों सिख एक समय में वहां 50,000 सिख थे, आज 2,000 रह गए। आप बताइए कहां चलेगा, इनको कौन सा बचाव मिलेगा? इनको यही धरती पर बचाव मिलेगा कि नहीं? भारत में बचाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और यही बचाव करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बिल के माध्यम से लाया है। मैं आप सितंबर 1947 में महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू सिख हर नजरिए से भारत आ सकते हैं, अगर वहां निवास करना नहीं चाहते। उस स्थिति में उनको नौकरी देना, उनके जीवन को सामान्य बनाना, ये भारत सरकार का कर्तव्य है। 2019 में पूरा किया, इस बात को हमको समझना। बताओ कितने साल लग गए, गांधी जी की बात। हर जगह कांग्रेसी नेताओं को देखो तो पीछे गांधी जी का फोटो, गांधी जी, गांधी जी, गांधी। एक बात गांधी जी की दिखा, एक बात। और यही स्थिति ला करके खड़ी कर दी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा 25 जनवरी 1948 को, 25 जनवरी 1948, मुझे लगता है कि केंद्रीय राहत कोष का उपयोग करना वांछनीय होगा, जिसका उपयोग किसी भी प्रकार के आपातकालीन राहत के लिए किया जा सकता है, लेकिन जिसके उपयोग अब विशेष रूप में पाकिस्तान से शरणार्थियों के राहत और पुनर्वास के लिए किया जाना है जो भारत में आए हैं। अब देखिए, जिस राहुल को, गांधी को, जिन सोनिया गांधी जी को, अपने पूर्वजों के द्वारा बोले हुए बातों का ध्यान ना हो, उनको उनकी जानकारी ना हो, वो आज देश का नेता
करने की बात कर रहे हैं, उनका ज्ञान कितना सीमित है और कितना संकीर्ण है, ये इस बात का उदाहरण बनता है। मैंने किसी और की बात नहीं कही, मैंने जवाहरलाल नेहरू को दिल कर कोट करके बताया है। 25 जनवरी 1948 को जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, स्वर्गीय प्रधानमंत्री, उन्होंने ये कहा था। अब कौन बात करे इनसे, सोनिया जी को कौन समझाए, राहुल जी को कौन बताए कि तुम्हारे इतिहास में क्या क्या लिखा है, क्या क्या पढ़ा है। राजनीति करने का शौक है तो अपने इतिहास और अपनी मिट्टी को पहचानना सीखो, उसकी धरती को, सुगंध को सीखो, तब तुमको पता चलेगा कि देश कहां आगे बढ़ा। तू हुई है, आधे नेता जेल में होंगे, आधे बेल पर होंगे, यह परिस्थिति आगे के खड़ी है। लेकिन हमारी ममता दी बोलती है होवे ना। क्या होवे ना, क्यों होवे ना, क्यों नहीं होगा? आप बताइए, 106 कानून भारत सरकार के 106 कानून जम्मू कश्मीर पर नहीं लगते थे। वहां का वाल्मीकि भाई, मैं दलितों की बात कर रहा हूं, दलित की बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं, वहां का दलित भाई वाल्मीकि भाई सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकता था, उससे ज्यादा वो नौकरी नहीं ले सकता था। लेकिन अब मोदी जी ने धारा 370 हटा दी है, अब वाल्मीकि का बेटा भी जुडिशियल सर्विस में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, हर जगह वो नौकरी कर सकता है। क्या तरीका बना लिया इन्होंने हर एक चीज का विरोध करना। अनलॉफुल एक्ट ऑफ प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट, UAPA, ये कानून लेकर के आया जिसमें भारत सरकार को यह अधिकार है कि वो टेररिस्ट को टेररिस्ट घोषित कर सके और उसके खिलाफ एक्शन ले सके। बोलो, ये कानून के लिए जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है कि नहीं है? इसका इन्होंने पार्लियामेंट में विरोध किया और क्या कहा, इससे सरकार को ताकत आ जाएगी और किसी को भी टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। आप गलत काम करो और आपको गलत काम कहने से रोकना हो, उसके लिए उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई हो, उसको रोकने का आप प्रयास करो, क्या तरीका है? रानी जी, उनके पास आशीर्वाद लेने ममता जी गई थी कि नहीं गई थी? गई थी कि नहीं गई थी? उनका आशीर्वाद लेने के बाद उनके विरोध में काम कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है कि नहीं कर रही है? ये है इनका आदर्श, ये है इनका चरित्र, ये है इनका कार्य करने का तरीका। मित्रों, आप समझो, हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के कोई और है, इस बात को समझने की जरूरत। ये षड्यंत्र है, ये छल है। मैं ममता जी से पूछना चाहता हूं, पिछले 15 दिन से इसी बंगाल में हिंसा का तांडव नृत्य हुआ कि नहीं हुआ? क्या बोलती है, ये केंद्र के चलते हुआ, होम मिनिस्टर तुम्हारा, चीफ मिनिस्टर तुम, सरकार तुम चला रही हो, केंद्र सरकार करा रही हो, क्या आर्गुमेंट लिया है आपने, क्या सोचा है आपने? और आपने एक बार भी हिंसा की निंदा नहीं की, एक बार भी हिंसा की निंदा नहीं की, और अभी बोल रही है कि मैं अपील करती हूं। अरे मुख्यमंत्री अपील करता है कि एक्शन लेता है? मुख्यमंत्री अपील करता है कि एक्शन लेता है? दंड तुम्हारे हाथ में है, ताकत तुम्हारे हाथ में है, मुख्यमंत्री तुम हो, गृह मंत्री तुम हो, तुम्हारी सरकार के गृह मंत्री है, और तुम बोलती हो मैं अपील करती हूं। क्या भूपति देनी है उनको? क्या करना, अपने बाजा बजाओ और बोलो कि आवाज कहां से आई? अपने बाजा बजाओ और फिर बोलो आवाज कहां से आई? इन सब के जननी आप लोग खुद हैं, आपने खड़ा किया है, समाज को बांटने की कोशिश की है, तुष्टीकरण की राजनीति को लाने का प्रयास किया है, और इस बात को हम कभी भी विश्वास, कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। हमने कहा आयुष्मान भारत आएगा, गरीब के घर में हर साल इलाज कराने के लिए, गंभीर बीमारियों के इलाज कराने के लिए 5-5 लाख रुपए का उनको स्वास्थ्य का समर्थन मिलेगा और उनका इलाज होगा, ये हमने। 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं यहां पर, लेकिन आयुष्मान भारत बंगाल में होवे ना, नहीं लागू होगा। क्यों नहीं लागू होगा? अरे आप तो इंग्लैंड में भी जाकर के और अमेरिका में भी जाकर के, भगवान आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखे, क्योंकि आपने अभी 2021-22 देखना है।
सरकार अगर कोई पूछे और वो जवाब ना दे ये संविधान की तोहिन कौन कर रहा है जरा बताइए, बताइए कौन कर रहा है। अगर भारत सरकार यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना चलाने की कोशिश करे उसमें अड़ंगा लगे तो क्या होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यहां मुझे 3 करोड़ से ज्यादा किसान है, 3 करोड़ से ज्यादा योजना में मोदी जी ने वहां से पूरा का पूरा पैसा आपको भेजा कि नहीं भेजा, भेजा कि नहीं भेजा। और कटमनी कहां कट गया, कटमनी कहां कट गया, कटा कि नहीं कटा, ये काम पकड़ा है इन्होंने, ये इनका विकास का रास्ता है जिसको हमको समझना चाहिए। मोदी जी ने कोशिश की कि मानस संकोष तिस्ता गंगा नदी इसको जोड़ करके एक बाढ़ से बचाया जा सके और बाढ़ के साथ साथ सिंचाई का व्यवस्था हो सके। बोलो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इससे बंगाल का विकास होगा कि नहीं होगा, इसको रोकने का काम किसने किया है। फिर से हो गए ना मित्रों, ये किस तरीके की योजना बन रही है। स्वच्छ भारत अभियान में टॉयलेट बन रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान में जो टॉयलेट बन रहे हैं उसमें भी बताइए यहां कटमनी लेते हैं कि नहीं लेते हैं, है कि नहीं कटमनी, बताइए कटमनी है कि नहीं। अब आपने इनकी सरकार को आगे आने वाले समय में कट कर देना, ये बात आपने ध्यान रखना। हर ट्रे 42 में से 18 हमें दी थी वो हमारा ट्रेलर था, आने वाले समय में पूरी पिक्चर दिखा देना, इस बात के लिए ध्यान रखना उसको आगे। और ये आप करेंगे और इसलिए नहीं कि बीजेपी को आना है, इसलिए करना है क्योंकि बंगाल को बढ़ाना है, बंगाल को मुख्यधारा में लाना है। इसलिए नहीं कि आपने मेरा मुख्यमंत्री बनाना है, हमारा मुख्यमंत्री बनाना है, आपने इसलिए करना है कि बंगाल के ऊपर जितने दाग लगे हैं उसको मिटाना है, साफ करना है और आगे बढ़ाना है। इसलिए नहीं, इसलिए नहीं कि किसी को सत्ता पर बैठाना है, इसलिए कि जिस महापुरुषों की धरती रही है उन महापुरुषों को याद करते हुए उनके रास्ते कदम पर बंगाल चले, इस बात को प्रेरित करने के लिए आगे बढ़ाना है। जय बंगाल। এখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সর্বভারতীয় কার্যকরী সভাপতি জেপি নাড্ডা, রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, এছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কৈলাস বিজয়বর্গী, দেবশ্রী চৌধুরী, বাবুল সুপ্রিয়, রাহুল সিনহা, মুকুল রায় ও এমপি লকেট চ্যাটার্জি সহ আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। তাকে আমরা বুকে জায়গা দিয়ে আমাদের দেশে জায়গা দিয়ে আমাদের নিজের করনি, পারসিকদের, ইহুদিদের, তিব্বতীদের, যেখান যেখান থেকে চলে এসছে বিদেশিরাও তাদের জায়গা দিয়েছে। আমাদের দেশের বহু মানুষ বিদেশে গেছেন, তামিলনাড়ু গেছেন, অন্যরা তারা ফিরে এসছেন, তাদেরকেও নাগরিকত্ব দিয়েছে। খালি ভারতীয় জনতা পার্টি দেয়নি, কংগ্রেস সরকার বারবার দিয়েছে, অন্যান্য পার্টি তাকে সাপোর্ট করেছেন। আর আজকে সেই পরম্পরাকে অক্ষুণ্ণ রেখে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তানের অত্যাচারিত সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদেরকে আমরা নাগরিকত্ব দিয়েছি। মাননীয় মোদীজির নেতৃত্বে আমাদের সরকার এই বিল নিয়ে এসে পাশ করে আইন করেছে, কিন্তু এত নিজেদের ভোট নিয়ে যারা এই দেশে বারবার জিতেছে, সরকার গড়েছে, রাজত্ব করেছে, সেই কংগ্রেস, সিপিএম, টিএমসি আজকে এই বিলের বিরোধিতা করছে, এই আইনের বিরোধিতা করছে। তারা সংবিধান, সুপ্রিম কোর্ট, সংসদ অপমান করছে তাকে। তাই যে সরকার এই বিল নিয়ে এসে সে বিলকে অভিনন্দন করার জন্য আমরা যাত্রা করেছিলাম। মাননীয় নাড্ডা জি এসে আমাদের সঙ্গ দিয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন, সেই জন্য বাংলা সমস্ত মানুষের তরফ থেকে আমি তাকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, যে দিদিমণি একদিন অনুপ্রবেশের ভয়েতে ফুল কালাম করে দিয়েছিলেন পার্লামেন্ট, কেঁদে চর মরি ছিল চোখের থেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, আমাদের দিদি নয়, অনুপ্রবেশকারীদের দিদি হয়ে গেছে। এই দিদি দিদি নামের অপমান করেছেন, তিনি বিদেশিদের জন্য কান্নাকাটি করেছেন, এখানে এত উৎপাত করলো অনুপ্রবেশকারীরা, তার পুলিশ একটা লাঠি চালানি, একটা গুলি চালানি, একটা এফআইআর করেনি। কিন্তু সেই দেশ, সেই দিনটার কথা মনে করুন, 3 বছর আগে উনি দার্জিলিংয়ে গেছিলেন, সেখানকার গোর্খারা তাদের ডিমান্ড নিয়ে তার কাছে আন্দোলন করেছিল, তিনি বলেছিলেন সবাইকে বাংলা পড়তে হবে, তার
তার বিরুদ্ধে নেপালি ভাষীরা আন্দোলন করেছিল, তার পুলিশ গুলি চালিয়েছিল, 13 জন মারা গেছিল জলজান্ত ছেলে। কিন্তু আমরা এই দিদির কোনো ভাইকে, কোনো মন্ত্রীকে, কোনো নেতাকে পাহাড়ে গিয়ে ওই মায়েদের যাদের কোল খালি হয়ে গেছিল তাদের সান্ত্বনা দিতে দেখিনি, কারো বাড়িতে একটা টাকা দিতে দেখিনি। কিন্তু আজকে উত্তরপ্রদেশে গেছেন দিদির ভাইরা মন্ত্রীরা, কেন কিসের কষ্ট? যারা উত্তরপ্রদেশে মারা গেছে তারা আপনার কে হয়? তারা উৎপাতিয়া, তারা দেশদ্রোহী, তারা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি নষ্ট করেছিল, ওখানকার সরকার তাকে যোগ্য জবাব দিয়েছে। আপনি পারেন না, কিন্তু বিজেপি সরকার করে দেখিয়েছে, যোগী সরকার করে দেখিয়েছে। সেই ভারতবর্ষকে কালিমাল হত্যা করার জন্য যারা চেষ্টা করছে এদের চিনে রাখুন। এবার নির্বাচনে ভারতবর্ষের মানুষ এদেরকে সাফাই করেছে, ঝাড়ু দিয়ে সাফ করেছে, পরিষ্কার করে দিয়েছে, তাই হেরে গেছে। এরা 3 তালাক বিলকে আটকাতে পারেনি, 370 ধারা আটকাতে পারেনি, এরা রাম মন্দির হওয়া আটকাতে পারেনি, তাই নিজের অস্তিত্ব রেখাবার জন্য, নিজেরা যে বেঁচে আছেন দেখাবার জন্য উৎপাত করে আইনকে হাতে নিয়ে দেশের সম্পত্তি নষ্ট করে খবরের কাগজে, খবরের শিরোনামে আসার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ এদের সহ্য করবে না, বাংলার মানুষ এদের সহ্য করবে না। আমরা সেই উদ্বাস্তু শরণার্থীদের জন্য এই কাজটা করেছি, এটা ডাক্তার শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি করেছিলেন, তার স্বপ্নকে সফল করেছি। এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা ধর্ম বাঁচাবার জন্য, মা মনের সম্মান বাঁচাবার জন্য ওই বাংলা থেকে এই বাংলায় এসেছিলেন, তাদের শতবর্ষের স্বপ্নকে সফল করেছি। তাই আমি আবার মোদী সরকারকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, আবার মাননীয় নাড্ডাজিকে ধন্যবাদ জানিয়ে, আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ভারত মাতা কি জয়।